दे घरों जनाजा निकलिया मेरी मिये दा, ते इतना जुलम नहीं होना चाहिए जितना मेरा होया। दिलजब्बा पहाड़ के दामन में ये कस्बा जंडियाल फैदुल्ला है, जिसकी एक बेवा खातून अपने करीबी रिश्तेदार हैं उनको ही हाथों ये बेकार हो चुकी है। तो ये जंडियाल फैदुल्ला में ये खानगी झगड़े और ये थारा, तो ये उसके अपने करीबी बताए जा रहे हैं, और जो उसकी खामंद का मलकीती और अबाई जो मकान है उससे भी बेदखल कर दिया गया, और बाकी ये दर्दा बशीर ये जो बेवा है ये इसकी जबानी सुनिए ये दुखड़ा किस तरह ये बयान कर रही है, और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से मुतालबा कर रही है कि वज़ीर आला पंजाब से कि उसको इंसाफ दिया जाए और उसकी दादरसी की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जरदा बेगम, मेरे मियाँ का नाम बशीर अहमद, मैं तकिया शाह मुराद जंडियाल फैजुल्ला दी रहन वाली हाँ, और मेरा घर ते कब्जा होया, मेरे मियाँ के भतीजे ने लंबरदार ने उत्थे कब्जा किते आ, शफैत ना उसका, मैं किराए ते रहनी हाँ, मेरा कोई घर नहीं है, कोई टिकाणा नहीं है, मेरे अपनी और जायदादां भी उत्थे भी हूँ दाखिल नहीं होन देंदा, पूरे ग्रां नूं पता कि राजे बशीर दा मकान है, लंबरदार है, उन्होंने अपना घर बार सब कुछ हूँ, असं अद के खाने पे बार, मेरे जेठ ने चाबी मंगी है भाई, मेरा मकान नज़ीर अहमद उसने मंगी है चाबी भाई, मैं दियो मैं उत्थे रहना चाह अपना मकान बनाना, तो मैंने इतने दिहाड़े मैं दियो तुसी आप इत्थे नहीं हो, सानूं चाबी दे दियो असीं उत्थे मकान बनाना, उस अपना मकान उसकी अलहदा जाई तो उस गिर गया मकान, उस नवा मकान बनाना है, जिस वक्त असान आख्या भाई हूँ खाली करो तो आखते नहीं जी हूँ तो सी इतने जगह नहीं है, जिस वक्त उन्हें ईद आले दिहाड़ा उन्हें दुए पास मकान शुरू कर दिता, असा दे मकान उस अंदर 15 मरले जगह एक असान मिली गई, 5 मरले एक असा की जगह, उस सारी असान वो जगह उस दे विच अंदर उन्हें कब्जा कर दिता, वो फिर उन्हें निकलने ही नहीं रहे, उन्हें आख्या भाई नहीं असान उत्ते नवे मकान बना के उन्हें अपने कब्जे करके, उस वक्त तक कोई 40 साल पहले तो कोई नहीं आसान तो उस दिता गया, सारी दुनिया ने पता पूरे ग्रां नू पता कि बशीर दे वंड विच आए आ मकान, जिस वेले वो बनाया फिर असं बाहर चले गए, हूँ जिस वक्त वापस आए अस घर तो अपने आना है ना, उस वक्त उस कब्जा करके जाओ, उस फिर जिस वक्त कब्जा किया असं गए थाने कचहरियाँ तक पहुँचे हाँ, तो उन्हें अगो आके उन्हें भी सन कोई मदद नहीं की, बस उस दी मदद हुई है, जो कुछ हुई है अदालत ने भी मदद उसकी की है, तो होर लोग भी साड़ी बयान ही नहीं देंदे, गवाहियां ही नहीं देंदे, आखते कि असी उस नाल हाँ जी लंबरदार है ग्रां का, तो असी मारे जुलने वो लंबरदार है आ, फिर उसकी लंबरदारी पिछे सा मैडा मकान गया, तो ये जी लंबरदार हूँ फिर मेरा मियाँ फिर बाद फौत हो गया, लंबरदारी मेरे मियाँ के नाँ लगी है, उन्हें आख्या इन्होंने बड़िया ने फिर चुने ने, जिस वक्त इन्होंने ना लगी है उस दिन फिर उसके बेटे ने इन्हें उत्ते दरखास्तां दे छोड़ियाँ कि लंबरदार इन नहीं बनना चाहिए, इन्हें नहीं बनना चाहिए, वो फिर जिस दिन उन्होंने फौतगी उस दिन भी उन्होंने तारीख आई, जनाजे वाले दिहाड़ा भी तारीख आई, फिर मैं चाक है असा मैयत दुगे घर खड़ी है, मैंने उन्हें घर नहीं बढ़न दिता, मेरा अपना घर है, मेरी हर एक चीज़ है, मेरा समान, मैं तो सिर्फ कली घरों बाहर निकली हूँ, मैं समान सारा मेरा उत्थे पिया, विपना समान है, मैं बाप दा मां दा मेरा सब दा उत्थे समान है पिया, उन्हें सानू कुछ भी नहीं दिता, जायदादां भी हूँ जिस पास आने कोई चीज़ कहने भाई कोई लकड़ी या कोई चीज़ बेचने तो उतों भी सानू रोक देन, जी असं आने और किसी जाए तो असं अंदर दाखिल होने उतों भी सानू रोक देन, आए मेरे बच्चों ने आखते इतने नहीं तो हक ही कोई नहीं, हूँ असी के करा, मैं तो इतनी वे हक आली हाँ, मेरा तो अद्धा होर ना लोगों कब्ज किते बाकी ना किते, तो मैं मकान तो मिले ना, मैं जिते मैं बच्चों जा कर रखा या मैं अपनी मैयत कोई किसी जाई तो निकल जुला, मेरे को इतनी ताकत नहीं है, बच्चे मेरे कोई नहीं है, कमजोर हूँ, सन मकान मेहरबानी करके कोई है सुन वाला तो सानू एक करा दो, कि साड़ी अदालत ने फैसला नहीं किया, ग्रां के बंदे को पूछो वे मकान किसका, बशीर मकान बनाया, इस वास्ते अल्लाह पाक करम कराया साढ़े असी दरों बेदार होए हैं, सन कोई हो सकता तो कोई करो साड़ी मदद, सन मकान दे दें जिते वो ना बना भी किता कब्जा कर किता ने, इतनी बड़ी जगह वह एक पास हो वन सन इतना दे छोड़न जी असी 5 मरले साढ़ा वो बाकी 2 मरले और दे दें जो असं गुजारा हो, मैं बच्चे कितों बना मकान, साढ़े कोई आमदन नहीं है, कोई जरिया नहीं है, किराए तो रहने एक बच्चा मेरा नौकरी करता दूगा कोई नहीं करता, मैं बहुत परेशान हाँ, तीसरा अपनी वो बाल बच्चेदार है वो चलो गुजारा कर रहा,
तो मैं उनके साथ मेरे मियाँ दी जिस दिन फौत की हुई है उस दिन भी उस तारीख चलाई आखिरी तारीख है उस दिहाड़ा भी तो जना मंजी मैं किस घर जाकर खड़ी है मेरे घर उठा उस नहीं दिता मैं किस घरों जनाजा निकलिया मेरे मियाँ का तो इतना जुलम नहीं होना चाहिए जितना मेरा होया सिर्फ मेहरबानी करके पता करो उन्होंने लोगों ने मस्जिद बाके भाई किस का घर है मैं भरे समान मेरे मियाँ उतों के लोग सारे पाले कुरान पाक हिफज कराए हाफज बनाए लोग उन्होंने लोगों ने उतर घर खड़कर रख रख के उन्होंने खिदमत की बस मेहरबानी करो बस मैं इंसाफ मंगना चाहनी हाँ मैं ना इंसाफ दो डी सी ओ चकवाल वजीरे आला पंजाब मेरी फरियाद नू सुनो।